हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी नोन एज मेरी भाभी भूत है। अब कोई भी आदमी अपनी भाभी को भूत नहीं कहता, चाहे भाभी कितनी ही बुरी हो, उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करती हो, पर वो हमेशा अपनी भाभी की तारीफ़ करता है। तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 2001 से स्टार्ट होती है, जब मेरे भाई ने PCS का कॉम्पिटिशन निकाल लिया। तो एकदम से घर में खुशी का माहौल हो गया, और जब उनकी अखबार में फ़ोटो देखी तो सब लोग बहुत खुश हुए। अब हमारे घर में शादी के रिश्ते आने लग गए। तो रिश्ते जब आते हैं तो बड़े भाई की सबसे पहले होना चाहिए, फिर तो बीच वाले भाई की होएगी, और फिर मैं, हम लोग तीन भाई हैं, तो उसी के हिसाब से सबसे बड़े की पहली होएगी, फिर बीच की होएगी, फिर छोटे की होएगी, जैसे मैं। तो जब ये कॉम्पिटिशन निकल गया तो रिश्ते आने लग गए। तो बड़े भाई उस टाइम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, बीच वाले भाई का निकल चुका था कॉम्पिटिशन। तो मेरे भाई का पढ़ाई में उतना मन तो लगता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ियों का बिजनेस डालूंगा, मतलब कार सेल एंड परचेज का बिजनेस डालूंगा। तो मेरे मम्मी व पापा राजी हो गए, उनने साहब कार सेल एंड परचेज का बिजनेस डाल दिया। अब कार सेल एंड परचेज का काम चलने तो लग गया, पर जो लड़की वाले आते थे वो ये चाहते थे कि सरकारी नौकरी पे हो लड़का तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे कर करके कुछ रिश्ते रिजेक्ट होने लग गए आने के बाद। अब मेरे भाई डेली शाम के जिम करने जाते थे उस टाइम पे, तो जिम में इन्हें एक लड़की पसंद आ गई, उससे इनकी बातचीत अच्छी होने लग गई। अब धीरे धीरे इनने ये राज घर में बताना चालू किया। तो और मम्मी से कहा, मम्मी ने पापा ने जब कहा कि भाई शादी कब करनी है, अब तो शादी कर लो, तुम्हारा बिजनेस तो चल ही रहा है ये सेल एंड परचेज का। तो बस कहानी ये है कि सरकारी नौकरी की तुम तैयारी करते रहो तो साथ साथ में तो रिश्ते अच्छे आएंगे। तो इनने कहा कि मम्मी मैं तो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा, मैं तो यही सेल एंड परचेज का करूँगा, और अगर कोई लड़की के माँ बाप राजी होंगे तो शादी कर लूँगा। अभी इनने इस चीज़ का डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया था कि मेरे को लड़की पसंद है। पर कुछ टाइम और बीता, ये बात है करीब 2003 की, तब ये कहते हैं 2003 के छठवें महीने की बात है, तब इनने घर में डिस्कशन चालू किया कि मेरे को लड़की पसंद है, और अगर मम्मी पापा राजी होंगे, अगर उनकी रजामंदी है, तो मैं शादी कर लूँगा, अन्यथा मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो ये एक तरीके से ब्लैकमेल टाइप का होता है ना, कि या तो करवा दो या बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो साहब मम्मी पापा थोड़े ऑर्थोडॉक्स विचार के हैं हमारे, तो पहले तो माने नहीं। उसके बाद साहब पापा ने कहा कि ठीक है। तो करीब सन था 2004, उसमें मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। अब शादी हो गई, दो साल बीते, एक बच्चा हो गया इनके। उसके बाद मतलब टोटल इनके दो बच्चे हो गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये ऐसे ही चलता रहा, टाइम बीतता रहा। करीब 10 साल बीत गए शादी के, इन लोगों में फिर टेंशनें चालू हो गई। अब तो टेंशनें ऐसी थी कि पहले तो मामूली टेंशनें रहती थी बीच में, फिर ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब पति पत्नी की लड़ाई में कोई बाहर वाला तो बोल नहीं सकता है, जैसे देवर माँ बाप केवल समझा ही सकते हैं, अगर बोले तो लड़ाई और बढ़ जाती है। तो ऐसे चलता रहा इन लोगों के बीच। 10 साल के बाद जब इन लोगों में टेंशनें चालू हो गई, तो एक दिन टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी भाभी ये घर छोड़ के अपनी मम्मी के घर चली गई। उसके बाद जाने के बाद जब जा रही थी, तभी इनने ये मतलब बीमार भी रहती थी उस टाइम पे, इनको थायराइड हो गया था, इनको BP की शिकायत हो गई थी। तो मेरे भाई ने इनको दवा करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, सब कुछ करवाया। उसके बाद जिस दिन लौट के आए, उसी दिन इन लोगों की फिर से टेंशन हो गई। जब टेंशन हो गई तो ये दवाई वगैरह सब छोड़ के यहाँ पे अपने मम्मी के घर चली गई। और उसके बाद साहब हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया, करीब 4-5 साल बीत गए, कोई संपर्क नहीं हुआ, मतलब भाई से कोई बात नहीं करती थी, भाई और इन दोनों में बिल्कुल बातचीत ख़त्म थी। बच्चे भी बड़े हो गए थे, कोई
एट्थ में था तो कोई फिफ्थ में था, मतलब लड़की जो थी वो एट्थ में थी और लड़का जो है वो फिफ्थ में। पर इन लोगों की फ़ोन पे भी बातचीत नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। बस हमें इतना मालूम था वो अपने मम्मी के घर पे हैं और वहाँ पे इन लोग इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये सब प्रिंसिपल हो गई, एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हो गई। तब भी इन वो यहाँ पे नहीं आती थी। फिर एक दिन जो इनकी लड़की है उसने फ़ोन किया और उनने फ़ोन उठा लिया, तब इन लोगों का कांटेक्ट होने लग गया एक दूसरे से। ये जाते थे भाई किसी रेस्टोरेंट में मिल लिए, कुछ कर लिए, उसके बाद घर पे लेके आते थे, पर वो घर पे हमारे घर पे स्टे नहीं करती थी, वो वापस रात में लौट आती थी और अपने मम्मी पापा के घर पे जाके रुकती थी। तो साहब ऐसे ही टाइम बीतता रहा। इनने मेरे पापा की डेथ हुई है करीब अभी 2021 में, तो 16 मार्च 2021 को मेरे पापा की डेथ हुई, उस टाइम पे ये मेरे घर पे आई। तो एकदम से इनकी सांस फूल रही थी, तो मैंने कहा भाभी जी एक काम करिए आप बीपी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज हो गए थे तो वो बेड पे रहते थे तो उनका बीपी वगैरह मैं चेक करता रहता था। तो मैंने कहा मैं आपका भी करना चाहता हूँ। मैं पीछे पड़ गया इनका, तो पहले तो ये राजी नहीं हो रही थी, उसके बाद ये राजी हो गई। जब चेक किया तो मेरी आंखें बाहर आ गईं, इनका बीपी निकला 180/150। मैंने कहा भाभी आपने गोलियां नहीं खाती क्या? इनने तुरंत मना किया मैं कोई गोली नहीं खाती भैया। तो मैंने कहा आप एक काम करिए डॉक्टर को दिखाइए और अपना गोली खाना चालू कर दिए। इनको डायबिटीज़ भी थी पर साहब ये गोली मोली बिल्कुल नहीं खाती थी। तो मेरे भाई ने तुरंत एक काम किया कि डॉक्टर को फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट लिया और ये दोनों निकल गए साहब चेक करवाने के लिए। ये वहाँ से चेक करवा के आए और चेक करवाने के बाद इन डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। इनको जैसी दवाइयाँ दी इनने घर पे आए, हमारे घर पे आई और जैसी गोली खाई, गोली खाने के बाद तो ये एकदम से बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो मैं भी घबरा गया और हम सब भी परिवार वाले सभी घबरा गए कि ये क्या हुआ है इन्हें एकदम से। उसके बाद तो ये जब पानी वानी इनको छिड़का तो ये उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो हमने कहा कि मतलब हमने लेके डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि एक काम कर रही है आप पैर के नीचे तकिया रख दीजिए इनके और थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहें और उसके बाद इनको कहिएगा कि घर ना जाएं अपने मम्मी पापा के, यहीं स्टे कर लें। पर मेरी भाभी ने बिल्कुल हम लोगों का कहना नहीं माना और उनने एक्टिवा चलाती थी, वो एक्टिवा स्टार्ट किया और वापस घर की ओर निकल गई वो। अब साहब टाइम बीत गया, एक बार मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाभी घर पे आ जाओ आज बातचीत करते हैं ऐसी, तो ये मान गई। वैसे कभी नहीं आती थी पर उस दिन मेरा कहना मान गई। मैंने कहा बच्चों से भी मिल लेना ये वो। अब ये आई साहब, इनने मेरी मम्मी से डिस्कशन किया पूरा कि मम्मी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो ये लेटी हुई थी, अब मेरे भाई ने लेके डॉक्टर को फ़ोन किया, तो ये भाई मेरे रिपोर्ट उठाने नहीं गए थे, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई तो कहा कि इनको तुरंत डायलिसिस पे ले जाएं आप, तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर इनने एक और डॉक्टर से पूछा, उसने भी यही राय दी कि आप डायलिसिस पे ले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अब जब हमने भाभी को ये बात बताई तो भाभी ने ये बात मम्मी से, हम पूरे परिवार से छुपा रखी थी कि उन्हें किडनी की शिकायत हो गई थी क्योंकि ये बीपी की गोली लेती नहीं थी, तो करीब 9-10 साल हो गए थे, ये अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2022 की, इससे पहले की 2022 में तो ये एक्सपायर हो गई दिसंबर में, तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो साहब एकदम से मम्मी से कहती हैं, उठ के बैठी हैं और मम्मी से कहती हैं कि एक काम करें मम्मी जी ज़रा आप मेरे साथ कमरे में आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मम्मी को ले गई है और इनने दिखाया कि अपना नीचे का हिस्सा दिखाया तो वहाँ पे बिल्कुल कालिक आ रखी थी, जैसे नल के ऊपर कालिक आ जाती है ना ऐसी ही कालिक थी, किडनियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो तो डॉक्टर ने हम लोगों को तो बता ही दिया था कि इनकी किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, इन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है।
पर साहब इनने कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही करवा लूँगी और मम्मी पापा मेरा इलाज करवाएंगे और किडनी भी डोनेट हो जाएगी, मिल जाएगी मुझे और सब कुछ बढ़िया है। साहब ये यहाँ से चली गई उस दिन भी, स्कूटर ने स्टार्ट किया और निकल गई अपने घर की तरफ। फिर हम लोगों के कोई संपर्क नहीं था। एक दिन और फ़ोन पे बड़े वाले भाई की लड़ाई हो गई तो इन लोगों में बिल्कुल बोलचाल फिर से ख़त्म हो गई। अब टाइम बीता, करीब 8 महीने और बीत गए, ये 2022 स्टार्ट हो गया, 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद साहब एक दिन हम लोगों को खबर आई, खबर नहीं, वो बड़े भाई की जो लड़की है उसने सपना देखा रात में कि मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और कह रही हैं कि एक पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी, उस पर साइन कर दो। तो ये बात उसने सवेरे उठ के हम सबको से डिस्कस करी तो बड़े भैया ने कहा कि क्या कहते हैं उसे फ़ोन मिला के देखते हैं। तो इनने फ़ोन मिलाया, नहीं उठाया, मैंने फ़ोन मिलाया, नहीं उठाया, मम्मी ने भी मिला के देखा, नहीं उठाया, उनने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर साहब एक महीना और बीता, दो, एक महीना बीता, उसके बाद भी हमें कोई खबर नहीं आई। उसके बाद ये करीब दिसंबर 20 तारीख की बात है जब दोबारा से बड़े भाई की बड़ी लड़की को फिर से सपना आया कि मम्मी की डेथ हो गई है। अब जब डेथ हो गई है तो इतने में ही हमारे जो बीच वाले भाई हैं उनने फेसबुक पे देखा कि क्या कहते हैं कि भाभी जी का वो डला हुआ है कि ये 22 तारीख को ये एक्सपायर हो गई। अब हम लोग सब शॉक हो गए कि हमें तो कोई भी, मतलब हमारे परिवार को कोई भी इनके परिवार वालों ने संपर्क नहीं किया, कुछ नहीं बताया हम लोगों को। बड़े वाले भाई काफ़ी टूट गए। उसके बाद इन्हें मतलब काफ़ी टाइम लगा, एक महीना करीब बीत गया। एक महीने के बाद ये सही हो पाए, नॉर्मल हो पाए, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में लौट पाए। पर बच्चे जो थे वो तो नॉर्मल हो गए थे क्योंकि उनका ज़्यादा संपर्क नहीं था बच्चों से, वो अपनी केवल वहीं पर रहती थी, वहीं पर जॉब करती थी, जॉब के बाद अपने घर लौट जाती थी, हम लोगों से कोई लेना ही देना नहीं था। पर एक अटैचमेंट तो होता ही है बच्चों से, तो वो बड़ी वाली लड़की के सपनों में दिखती थी उसे, फिर सपनों में आने लग गई। जब उनकी डेथ हो गई हम लोगों में से कोई नहीं वहाँ पे गया क्योंकि अगर हम लोग जाते तो लड़ाई दंगे ज़्यादा होते, क्योंकि कंक्लूजन तो कुछ निकला नहीं था पहली लड़ाई का ही। अगर हम वहाँ पे जाते, उनके फादर तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, उनकी मम्मी टोटली हमसे अगेंस्ट थी और भाई टोटली अगेंस्ट था, तो वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोगों पे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि ऐसे ऐसे कि कैसे हो गया, बिल्कुल जवान थी वो, मुझसे 1 साल छोटी थी, तो मतलब मैं 45 का हूँ तो वो 44 की थी उस टाइम, मतलब उस टाइम लगभग, हाँ लगभग मैं 45 का हूँ तो वो 44 की, 1 साल का डिफरेंस था। मेरा 15 नवंबर को बर्थडे आता है, उनका 14 नवंबर को बर्थडे आता है। तो अब ये हुआ कि एक महीना बीतने के बाद जब मेरे भाई नॉर्मल हो गए तो एक दिन यहाँ पे आगरा में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे आंधी तूफान आया। जब आंधी तूफान आया तो एकदम से इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई है, तो इन्हें देखा तो इनकी बातचीत हुई उनसे कि कैसे तुम्हारा, मतलब कि इतनी जल्दी तुम क्यों चली गई। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मेरे को मतलब ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी वैसे भी, जब भी मैं जाना ही चाहती थी, जब भी मैं दवाई वगैरह कुछ नहीं लेती थी। उनने बताया बड़े भाई को, मेरे को अब जीने का कोई लालसा नहीं थी जीने की, जब भी मैं दुनिया छोड़ना चाहती थी मैं परेशान थी, आपसे भी लड़ती थी, परिवार वालों से भी लड़ती थी अपने घर में, तो मैं दुनिया छोड़ना चाहती थी, उनने ये बताया। उसके बाद आलम यह हुआ कि हमें आए दिन महसूस होने लग गया कि वो घर के अंदर ही हैं। जैसे मैं फ्रिज खोलने रात में उठता तो मेरे को ऐसा लगता कि भाभी जी को चेयर पे बैठी हुई हैं, और वैसे उनका मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ, वो काफ़ी सुंदर थी।
व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। बस उनकी जो टेंशन थी वो बड़े भाई से ही थी, इसके अलावा ना मेरी मम्मी से कोई टेंशन थी, ना मुझसे कोई टेंशन थी, ना मेरे बीच वाले भाई से कोई टेंशन थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था, उनका व्यवहार वगैरह सब कुछ। बस अब अगर पति पत्नी में नहीं पट रही है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अब क्या होता है हमारे घर में, आज भी जैसे फ्रिज खुला छूट गया है तो फ्रिज, जैसे मैं खुला छोड़ के आ गया, फ्रिज बंद हो जाएगा। कोई भी जैसे परिवार पे संकट आने वाला है तो हमें पहले से वो जो बड़े भाई की लड़की है उसे सपना आ जाएगा, क्या अच्छा होने वाला है, उसकी न्यूज़ हमें मिल जाती है। तो भाभी जी हमारे लिए बहुत अच्छी थी। आज भी हम ये है कि मैं जैसे इस कमरे में बैठ के आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस कमरे के अंदर ही हैं। तो बहुत व्यवहार कुशल थी, उनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा था, नेतागिरी में उनकी बहुत अच्छी पहचान थी और प्रिंसिपल थी वो, और आज बड़ी हेल्पफुल हैं हमारे लिए। हमारे पिताजी भी, मेरे पिताजी भी 2021 में गुजर गए, पर वो कभी नहीं दिखे, पर ये दिखती हैं क्योंकि इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, इनकी एज ओनली 44 ईयर्स की थी वो। तो आज हम लोगों को ये कभी नहीं लगता कि वो हमें छोड़ के चली गई, जबकि जब वो जिंदा थी तो हमारे साथ नहीं रहती थी वो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी 10 साल से, तो पर आज हम लोगों के साथ ही हैं वो। कुछ भी मतलब रात में उठना हो तो डर नहीं लगता है उनसे, ऐसा लगता है कि हाँ वो यहीं भी प्रेजेंट हैं। और मेरे बड़े भाई को भी कभी सपने में दिखती हैं, कभी बैठी हुई दिखती हैं, और बच्चों का भी यही है, वो मम्मी मम्मी कहते रहते हैं और खूब बढ़िया तरीके से वो मतलब हमारे घर के अंदर ही रहती हैं। जैसे रात में गेट खुला रह जाए तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। कोई आस पड़ोसी बताते हैं कि कोई ऐसा लगता है छत पे टहल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाभी जी होंगी, पर ये नहीं है, हमारा कुछ बुरा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो हमारे परिवार में ही हैं और हम लोग आज भी उन्हें काफ़ी लाइक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कुछ आत्माएं बुरी होती हैं, कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। मेरी भाभी जी मेरे लिए तो बहुत अच्छी हैं और आज भी हम लोगों के साथ, मतलब जैसे किसी का बर्थडे है तो वो कैंडल नहीं बुझा पाता है, उससे पहले कैंडल बुझ जाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाभी जी हमारे बीच में ही हैं, हम उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं कहते। क्यों, देखिए ये बात नहीं है कि हम डर रहे हैं कि उन, मतलब मैं डर रहा हूँ कि उनके बारे में बुरा बताने से, बुरी वो थी नहीं तो मैं बताऊँगा क्या आपको, बस भूत एक नाम है जो कहना पड़ता है कि मेरी भाभी जी भूत है, वो हैं हकीकत में है, हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के लिए जब वो बुरी नहीं है तो ऐसे भूत बहुत अच्छे ही होते हैं। और एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। एक दिन रात में मैं उठा, मैंने देखा कि भाभी जी चेयर पे बैठी हुई हैं और सिसक रही हैं। मैं बगल में गया भाभी जी के, मैंने कहा भाभी जी आप सिसक क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं? तो कहने लगी भैया ये मुझसे लड़ते हैं। अरे मैंने कहा भैया भाभी जी वो बात तो पुरानी हो गई, अब वो नहीं लड़ते आपसे। तो कहने लगी भैया अच्छा पुरानी हो गई, मैंने कहा हाँ। तो कहने, मैंने कहा आप चाहो तो अभी बात कर लो। तो कहने लगे नहीं भैया आज ये बहुत थक गए हैं, मैं कल बात करूँगी। वो इसी तरीके से बोलती थी हमेशा और वैसे ही बात कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है आप कल बात कर लिया, और मैंने कहा कल सवेरे मैं उन्हें बता ही दूंगा। जब सवेरा हुआ तो मैंने ये सारी बातें अपने बड़े भाई को बताई। तो भाई कहते हैं कि अब की बार देखेंगी वो मुझे तो मैं सॉरी कह दूँगा। और वो रात में आई और इनने उनसे सॉरी कह दिया, उसके बाद तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई वो। आज ये आलम है घर का कि अभी लास्ट टाइम का एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि इनकी बेटी चाय बना रही थी, चाय बनाने के बाद गैस उसने खुली छोड़ दी तो पूरे घर में महक आ गई। हम सब लोग दौड़ के गए, हमने देखा, जब देखा तो गैस बंद थी, हम समझ गए कि भाभी जी बंद करके गई। हमारी कॉलोनी के बगल में एक कॉलोनी है, उसमें एक बार अभी एक महीने पहले चोरी हुई। उस चोरी के बारे में भी भाभी जी ने आके बड़े भाई को बता दिया और हम सब लोगों को अलर्ट कर दिया कि आप लोग सो मती,
वहाँ पे चोरी हो रही है, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं, हैं। उसके बाद दो दिन बाद वो फिर से आई दोबारा से और कहती हैं कि अब यहाँ पे नहीं आएंगे, वो वहीं के वहीं चले गए। एक लेडी मम्मी के पास आती थी, वो प्रेग्नेंट थी, मम्मी उससे काफ़ी देर बात करती रहती थी। एक दिन रात में फिर से भाभी जी आई और उनसे कहती हैं कि इस लेडी के लड़का होएगा। ये बात मम्मी ने लेके उस लेडी को बताई। जब टाइम हो गया उस लेडी का, तो उसे लड़का ही हुआ। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे साथ घट रही हैं, हमारे साथ ही हैं भाभी जी। और ये नहीं है कि आदमी का चेहरा बदल जाता है या वो कुरूप हो जाता है, जैसा होएगा वैसा ही तो रहेगा। ये चेंजेस कुछ नहीं आते हैं, बस केवल एक ऐसा लगता है कि कोई परछाई सी बैठी है, बस और कुछ नहीं। पर जैसी सुंदर वो थी, वैसी ही दिखती हैं हम लोगों को आज भी। कोई भी, और अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, बुरे लोग बुरे ही काम करते हैं। ये हमारे साथ तो अच्छी थी, जबकि भाई और भाभी में टेंशन रहती थी। भाई और भाभी की एक मिनट नहीं पटती थी, भाभी यहाँ पे रहती नहीं थी, अपने मम्मी के घर पे रहती थी। तो भी देखिए वो हम लोगों से वही व्यवहार रखती हैं आज भी। अब ये है कि बस केवल के थोड़ी प्राइवेसी नहीं है, जैसे मैं अपने कमरे में इस वक्त रात में आपको बैठ के सुना रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कहीं वो आ ना जाए। आ जाएंगी तो वो कुछ करती नहीं है हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगी, भैया आप ये सब बातें पब्लिक को बता रहे हो, बस इतना कहेंगी। वो इस टाइप की हैं, उनका पब्लिक बिहेवियर भी काफ़ी बेहतरीन था, वो नेतागिरी में भी उनकी काफ़ी पहुंच थी। तो ये सारी बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सब सच्चाई है, ट्रू स्टोरी है मेरी। हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा ना हो, क्योंकि जो नॉर्मल बात करता हूँ मैं, वैसे ही मैं डाल देता हूँ, कोई एडिशन नहीं करता। कोई जैसे गलत बोल गया मैं, तो वो चीज़ें हमें हटाता नहीं है बिल्कुल भी। जो नॉर्मली आप लोग बात करते हैं, वही नॉर्मली मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। मेरी भाभी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छी हैं। भाई आज ये आलम है कि अगर कहीं की लाइट, वो लाइट वगैरह पे काफ़ी ध्यान देती थी, तो कहीं की लाइट अगर ऑन है तो कुछ देर बाद बंद हो जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई सी भी घटना होने वाली होती है, तो वो पहले से हमें अलर्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है, अगर वो रियल लाइफ में अच्छी है तो मरने के बाद भी वो अच्छी ही रहेगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।